नमस्कार दर्शकों, स्वागत हम आगे हाथ के स्वाद में। आज हम सिखाएंगे आपको आटे से हलवा बनाना। ये आटा है 100 ग्राम के करीब। ये हमारी चीनी है स्वाद अनुसार। ये किशमिश है, ये मगज है, ये काजू है। बाकी आप अपनी इच्छा से जो मर्जी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। और ये हमारा घी है, देसी घी। सबसे पहले कढ़ाई में घी छोड़ते हैं। 2-3 चम्मच हलवा में जितना घी होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के स्वाद के हिसाब से। अब आटा छान के ले रखा हमने। अब आटा भूनेंगे। मंदी मंदी आंच पर आटा हमारा कच्चा ना रहे। कच्चा रहते हुए गोल्डन ब्राउन हो जाए। धीरे धीरे भूनना, जल्दी न करन जाए। जल्दी करो तो आटा चिपक जाएगा और जल जाएगा नीचे, फिर हलवे का टेस्ट हमारा खराब हो जाएगा। गर्म हो गया, हल्का गर्म हो गया तो खुशबू छोड़ने लगा। तो सुधारी आटे में कच्चा है, भुनना दो अच्छे से। आटा कच्चा नहीं चाहिए, हलवा लाल हो तो अच्छा लगता है, स्वाद भी बनता है। और कच्चे में स्वाद भी नहीं आएगा, नुकसान करेगा। अपने ड्राई फ्रूट डाल देते हैं इसके अंदर ही। ये बीज भी डाल देते हैं मगज के। किशमिश भी साथ के साथ भुन जाएगी। घी कम लगे तो और छोड़ सकते हो। ड्राई फ्रूट भुनना भुन जाएंगे हमारे इसमें आटे के साथ साथ। आटा हमारा हो चुका, तो 1-2 सेकंड और भूनते हैं। लाल हो गया आटा हमारा। बीज चटक रहे हैं हमारे। बाकी घी हम डाल रहे हैं ऊपर जब प्लेटिंग करेंगे। घी तैरता हुआ अच्छा लगता है आलू के ऊपर। अब चीन डालते हैं हमें स्वाद अनुसार मीठा हमारे। अब पानी छोड़ देंगे, आलू हमारा बन जाएगा। चलो तो कुछ लेंगे बना हमारे हलवे में। थोड़ा घी और छोड़ने हैं। कितना बढ़िया हलवा बनाना हमारा। प्रसाद के लिए बनाया, माता का प्रसाद मिलता है ना, उसके लिए हलवा बनाया जाता है। वो हलवा है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। उसके साथ में लाल बटन होगा उसको दबाएं, उससे आपको नई वीडियो मिलेगी जो मैं वीडियो डालूंगी। हलवा हमारा तैयार हो गया है। नमस्कार दर्शकों, बाय। फिर मिलेंगे अभी रेसिपी में।